नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आप सबके मनपसंद प्रोग्राम दैनिक राशिफल में, जिसमें हम आपको बताते हैं दैनिक राशिफल के साथ साथ आज के दिन कैसा है, आज की तिथि क्या है, आज के व्रत कौन से हैं, त्यौहार कौन से हैं, और कौन सा समय सबसे शुभ है और कौन सा समय आज के दिन में अशुभ है। जिसमें आप कार्य करें तो निश्चित आपको सफलताएं प्राप्त होती हैं, और कौन से समय में दिन में आपको कार्य नहीं करना है, इसमें आइए पहले हम आपको बताते हैं राशिफल के बारे में। इसमें सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन, ध्यान रहे मित्रों से मुलाकात होगी, कई पुराने मित्र आज के दिन मिल सकते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि आपको कहीं से किसी के द्वारा अप्रिय घटना का भी समाचार मिल सकता है, इसलिए आज का दिन आपके लिए मिला जुला रह सकता है। लेकिन आपको अपने शरीर के प्रति ध्यान रखना है, एकदम भावुकता में आकर के कोई कार्य आपको नहीं करना होगा। आप अपने स्वास्थ्य का पूर्णतया ध्यान रख करके आप कार्य कीजिएगा। किसी से मिलने जा रहे हैं तो भी समय से और स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखते हुए आप कार्य करें। आपको ध्यान करना क्या है आज के दिन में, आपको लाल रंग का प्रयोग अवश्य करना है, और क्या नहीं करना है, काले रंग का प्रयोग आपको भूल करके भी नहीं करना है। आप काले रंग का प्रयोग नहीं करेंगे और लाल रंग के यदि आप वस्त्र पहनकर कहीं निकलते हैं घर से, तो निश्चित आपके आज के दिन आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों, आज के दिन आपके भाग्योन्नति के योग बन रहे हैं, कहीं से आपको आज अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, तो निश्चित ही इस अवसर का आप लाभ उठाइएगा। और आप कोई नए वस्त्र आभूषण भी आज धारण करें, नए वस्त्र आभूषण धारण करके आप घर से निकलें तो निश्चित आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। कहीं यात्रा के भी योग आपके आज के दिन बनेंगे और यात्रा आपकी लाभकारी रहेगी। लेकिन आप आज के दिन आपको करना क्या है, आज के दिन किसी को आपको सहायता करना है, किसी गरीब दुखिया को आपको वस्त्र भेंट करने हैं, कुछ वस्त्र उसे देने हैं, तो निश्चित आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। और क्या आपको नहीं करना है, किसी को आपको अपने द्वारा कष्ट नहीं पहुंचाना है आज के दिन में। ध्यानपूर्वक अपने द्वारा, चाहे वाणी से हो चाहे आपके शारीरिक हो, किसी प्रकार से किसी को कष्ट नहीं देना है आज के दिन में। आप ऐसा कार्य करें, निश्चित आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए आपके ऐश्वर्य मान सम्मान में काफ़ी वृद्धि होने वाली है, मान सम्मान मिलेगा समाज में आज आपको। लेकिन आपको विवादों से बचना होगा, ध्यान रहे अपने सम्मान पर आपको गर्वित नहीं होना होगा, उन्हीं के सामने कहें जो उसे पचा सकें, हर किसी से कहते हुए नहीं भूल चलना होगा, तो निश्चित ही आप ऐसा करें। उपाय के लिए आज के दिन आप हरे रंग का वस्त्र अवश्य धारण करें। हरे रंग का वस्त्र धारण करके निकलेंगे घर से तो आपको सब जगह से सम्मान ही सम्मान प्राप्त होगा। लेकिन आपको क्या नहीं करना है, आपको काले और नीले रंग का प्रयोग आज के दिन में आपको नहीं करना होगा, इससे आपको बचना होगा। ये बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए यात्रा हो सकती है, कोई आप तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, क्योंकि आपके मन में कई बार उद्विग्नता इस समय आ रही है। तीर्थ यात्रा करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे तो निश्चित आपके मन में जो विघ्नता है वह भी दूर हो जाएगी, आपका मन और वाणी दोनों ही पवित्र होंगे और शीघ्र आपके काम बनने प्रारंभ हो जाएंगे। और स्वास्थ्य में जो आपकी गिरावट है वह भी आज के दिन सुधार होगा, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। उपाय के लिए क्या करना है कि आपको श्वेत रंग का प्रयोग करना है, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा आज का दिन। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। कोई नया कार्य यदि आप करने जा रहे हैं तो उसमें सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। नया कार्य आज करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आज आपको कहीं व्यापारिक यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, व्यापार के लिए कहीं आपको आना जाना पड़ सकता है, और ध्यान रहे वह आपको आज की यात्रा आपको लाभ प्रदान करेगी। लेकिन आपको क्या करना है, प्रातःकाल घर से निकलते हुए आपको गौ माता को रोटी अवश्य खिलानी है। गौ माता को रोटी खिलाकर निकलें, निश्चित आपका कार्य बन जाएगा। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए आज आपको कहीं से आप अपने प्रिय मित्र का मिलन हो सकता है, मित्रों का मिलान आज हो सकता है, आपको कहीं सत्संग का अवसर भी मिल सकता है। आज के दिन कहीं आप अच्छे लोगों की संगति में जा सकते हैं, उसका आप पूर्ण लाभ उठाइए।
क्योंकि बड़े अच्छे लोगों का संगति बार बार नहीं मिला करती है, हमेशा बड़े सौभाग्य से मिलती है, उसका आप लाभ उठाएं। और आज आपको धन लाभ भी प्राप्त होगा, तो निश्चित आपके लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उपाय क्या करना है कि आपको किसी को आज के दिन हरे फल आपको अवश्य दान करना है, ऐसा करेंगे तो निश्चित लाभ ही लाभ होगा आपको। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, आज के दिन आपको चोट चपेट इत्यादि से आपको बचना होगा, किसी से आपको वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना होगा आज के दिन। और यदि कोई कार्य आप कर रहे हैं तो कार्य सकुशलता से आप करें, निश्चित आपको लाभ प्राप्त होगा। ध्यान रखना है करना क्या है आपको आज के दिन, कि आपको बैंगनी रंग का प्रयोग करना है, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आपको पीले रंग का प्रयोग आज के दिन नहीं करना है, उससे आपको नुकसान हो सकता है, तो इससे बचें आप। बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा अच्छा नहीं रह सकता है, क्योंकि शारीरिक कष्ट आपको पहुंच सकता है, आप कहीं से किस चोट लग सकती है या अन्य किसी प्रकार से भी आपको कष्ट पहुंच सकता है, और राजकीय बाधा से भी आपको कोई कष्ट पहुंच सकता है, इससे आपको सावधान रहना होगा। लेकिन साथ साथ में आज के दिन आपको धनार्जन में सफलताएं प्राप्त होंगी, पैसे आपको मिलने वाले हैं कहीं से, तो ध्यान रखें आज के दिन आपको हल्का लाल रंग का प्रयोग करें, उसके आप हल्के लाल रंग का वस्त्र आप पहन करके घर से निकलें। लेकिन कोई नारंगी वस्त्र यदि है तो उसे आज के दिन आप ना पहने, ध्यान रखें आपके लिए निश्चित ही सफलताएं प्राप्त होंगी। बात करेंगे हम धनुराशि की। धनुराशि वालों के लिए आज के लिए आपका दिन, कहीं से यदि भूमि संबंधित कोई बात चल रही है तो उसमें सफलताएं मिल सकती हैं, प्रॉपर्टी संबंधी समस्याएं आपको यदि हैं तो वो दूर हो सकती हैं, उसमें आपको कहीं से आकस्मिक लाभ भी हो सकता है। आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको पीले रंग का प्रयोग आज के लिए काफ़ी शुभ रहेगा, लेकिन आप हरे रंग का प्रयोग आज के दिन में आपको नहीं करना होगा, उससे आपको नुकसान हो सकता है, तो इससे बचें, निश्चित आपको लाभ प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं हम मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। पुराने विवाद आपके सुलझ सकते हैं, लेकिन आपको साथ साथ में ध्यान देना होगा, किसी की बातों में आकर के आपको निर्णय नहीं लेना होगा, अफवाहों से बचना होगा आपको, ऐसा नहीं, अपनी बुद्धि और विवेक से आप निर्णय करेंगे तो निश्चित आप सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। आज के दिन में आपको नीले रंग का प्रयोग करना होगा, और आपको बचना होगा किससे, आज सफ़ेद वस्त्र से, सफ़ेद रंगों से आपको बचना होगा, तो निश्चित आपको लाभ प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन, आप कहीं कोई मांगलिक कार्य घर में संपन्न हो सकता है, मांगलिक कार्य में भाग लेने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है, और नौकरी में भी आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, नौकरी प्राप्त हो सकती है, नौकरी से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, इसमें आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, तो इसका आप लाभ उठाइए और प्रसन्न रहिए। यदि आप अपने से बड़ों के सामने जाइए तो प्रसन्न मुद्रा में जाइए, निश्चित आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको आज के दिन क्या नहीं करना है कि आपको बहुत अधिक गाढ़ा नीला रंग का आपको प्रयोग नहीं करना है, यदि करना ही चाहते हैं तो हल्के नीले रंग के वस्त्र धारण करें तो निश्चित आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। किसी प्रतियोगिता में आपको भाग लेने का आज अवसर मिल सकता है, ध्यान रहे प्रतियोगिता में पूर्ण सकारात्मक दृष्टि से आप जाइए, निश्चित आपको सफलताएं प्राप्त हो जाएंगी। किसी के बातों में मत पड़िए, अपने लक्ष्य को दृढ़ कीजिए और जुट जाइए अपने उसमें, तो निश्चित आप जल्द से जल्द सफलताएं प्राप्त कर लेंगे। करना क्या होगा आज के दिन, आज के दिन आपको हल्के पीले वस्त्र पहन करके जाना होगा तो निश्चित आप सफलताएँ प्राप्त करेंगे। बचना किससे होगा, आपको गाढ़े लाल रंग से आज के दिन आपको बचना होगा, तो निश्चित आपको सफलताएँ प्राप्त होंगी। आइए अब आपको बता देते हैं कि आज का दिन क्या है, आज नक्षत्र क्या हैं, योग कौन से हैं, तिथियां कौन सी हैं और व्रत पर्व आज कौन कौन से हैं। तो आज का दिन अर्थात 7 नवंबर 2017 मंगलवार, आज चतुर्थी तिथि होगी। यदि कोई गणेश भगवान का उपासक है और विशेषकर विद्यार्थीगण यदि गणेश जी का व्रत करते हैं सद्बुद्धि प्राप्ति के लिए और विद्या प्राप्ति के लिए, तो उनके लिए आज गणेश चतुर्थी का व्रत भी होगा। और आज मृगशीर्षा नक्षत्र रहेगा, मृगशीर्षा नक्षत्र शाम को 5:30 बजे तक रहेगा, शिव योग रहेगा, भावकर्ण रहेगा,
आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। और आज जो आपको कार्य से बचना होगा वह ध्यान देना है कि आज के दिन में दोपहर में 2:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक का राहु काल होगा। तो इस समय में आपको कोई नए कार्य कर रहे हैं या कोई शुभ कार्य कर रहे हैं तो उन कार्यों से बचना होगा, नहीं करना होगा इस समय में। उससे आप बचिएगा तो शीघ्र ही आपको सफलताएँ प्राप्त होंगी। कल प्रातः पुनः हम आप सभी के लिए नई जानकारी के साथ आपके राशिफल के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमो नारायण।